हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ हमारे जैसे खान पान चेंज होने की वजह से बढ़ जाता है, जैसे हेयर फॉल बढ़ जाता है और हेयर ग्रोथ रुक जाता है, वैसे ही हमारे जो हैबिट्स रहती है उसके ऊपर भी हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ डिपेंड रहता है। और दूसरा एक ऐसा इम्पोर्टेंट आपके साथ आज सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जो अभी तक किसी ने डिस्कस भी नहीं किया होगा, और वो है सीजन। यस, जैसे हमारा सीजन चेंज होता है ना, वैसे हमारे हेयर फॉल भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे हमारे हेयर में कंडीशन अलग अलग दिखने लगती है। तो यहाँ पे जैसे अभी चल रहा है मॉनसून सीजन, तो मॉनसून में से धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं विंटर सीजन के लिए। तो ये जो सीजन चेंज का जो पीरियड रहता है उस पीरियड में हमें हेयर का बहुत 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 ख्याल रखना होता है। यही पीरियड में हमारे हेयर फॉल ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अगर वहां पे हम इसको रोक ना लगाए तो फिर ये विंटर सीजन आने के बाद और बढ़ जाता है। तो क्या आप चाहते हो कि विंटर सीजन में आपके हेयर फॉल और बढ़ जाए, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं। और आज हम जो ये हेयर मास्क बनाने वाले हैं वो ये आपका प्री विंटर होने वाला है, क्योंकि विंटर सीजन आने से पहले हम इस मास्क को यूज करेंगे ताकि विंटर सीजन में हमारे हेयर फॉल भी ना बढ़े और ये जो सीजन चेंज हो रहा है उसमें हम अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर पाए और हम अपने हेयर को ग्रो कर पाए, रीग्रोथ कर पाए। तो ये वीडियो इतना बेनिफिशियल होने वाला है ना कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि मीनल हमें बहुत ही बेनिफिट मिला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप DIY चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। उसमें हेयर ऑयल और हेयर ग्रोथ पाउडर भी है जो आपको हेयर फॉल में बहुत काम आने वाला है, और स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगी रिव्यू के लोगों को कितने अमेजिंग इसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो प्लीज जरूर मेरे प्रोडक्ट को परचेस जरूर करिएगा, और लिंक आपको मिल जाएगा इन स्क्रीन से, तो वहां पे आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम में DM करके मेरे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स लेंगे एवोकाडो। एवोकाडो के अंदर हेल्दी फैट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, जो हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करता है, हेयर को रीग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है, और विंटर के लिए हमारे हेयर को रेडी करके रखता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा बनाना। बनाना आपको पता है कि ये इसके अंदर पोटेशियम रहता है और ये हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करता है, साथ में हेयर रीग्रोथ करता है। और ये जो मास्क है ना, इतना अमेजिंग बनने वाला है गाइस, बहुत ही अच्छा है और एक बार में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ पे हमने 2 स्पून ऐड किया है। ऑलिव ऑयल भी आपको पता है हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर को हेल्थी बनाता है, और हेयर फॉल को स्टॉप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने ऐड किया है हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमिडिट है जो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करके रखता है, आपके हेयर में ड्राइनेस नहीं आने देता है, और अगर आपके हेयर में ड्राइनेस नहीं होगी तो आपके हेयर भी नहीं टूटेंगे और आपके हेयर फॉल भी नहीं होंगे। तो 1 स्पून अराउंड यहाँ पे हमने हनी लिया था। तो ये सारे चीजों को मिक्स करके हमने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है, और ये जो मास्क है ना गाइस, और ये गाइस बहुत ही अमेजिंग मास्क बना है, और ये अगर आप अप्लाई करोगे ना तो फर्स्ट टाइम में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो कि कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, छोटे छोटे सेक्शन लेके हमें पहले पूरे स्कैल्प में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हल्के हाथ से हमें मसाज करना है, ताकि हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं वो अच्छे से हमारे रूट तक जाए। इसके लिए हमें इस तरह से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लेंथ में अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने पूरे लेंथ में अप्लाई किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बन बना लिया, और बन बनाने के बाद फिर और भी जो थोड़ा बहुत बचा था वो हमने यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर दिया। और अभी इस मास्क को हमें 1 आवर के लिए छोड़ देना है, फिर उसके बाद हमें वॉश कर लेना है। तो आपने देख लिया ना कितना सिंपल हेयर पैक है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ें होगी तभी तो और अच्छी इफेक्ट करेगी ना। हम लोग यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि सस्ता हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, हर सस्ती चीज़ भी अच्छी नहीं होती है, और हर एक्सपेंसिव चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। वो चीज़ इफेक्ट करती है उनके इंग्रेडिएंट्स से। तो यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ही देखेंगे, सस्ता और महंगा नहीं देखेंगे। हेयर पैक ज़रूर लगाइएगा अगर आप विंटर सीजन में अपने
हेयर फॉल को नहीं करना चाहते हैं, अपने हेयर ये सीजन चेंज में अपने हेयर फॉल को स्टॉप करना चाहते हैं, तो आपको ये हेयर पैक बहुत काम आने वाला है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।